डेरिवेशन ऑफ साइंस, ओके, एंड साइंस की उत्पत्ति, विज्ञान की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई? तो इन इंग्लिश क्वेश्चन व्हाट विल बी, फ्रॉम विच वर्ड साइंस इज डिराइव्ड? आंसर विल बी डेरिवेशन ऑफ साइंस। सी गाइस, साइंस की उत्पत्ति यानी डेरिवेशन जो हुई है वो एक लैटिन वर्ड साइंसिया, ठीक है, साइंसिया जिसका मतलब होता है टू नो, व्हाट, टू नो, और टू नो का मतलब पता है आप लोगों को, जानना, ठीक है, जो एक वर्ब है। तो साइंस का उत्पत्ति कहां से हुआ है? तो एक लैटिन वर्ड साइंसिया के मदद से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। साइंसिया का मतलब क्या होता है? टू नो, जानना, ठीक है। तो व्हाट विल बी डिस्क्रिप्शन हियर, सी, फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंसिया, विच मीन्स टू नो, ओके, विच मीन्स टू नो, दैट मीन्स जानना। वर्ड साइंस को जो लिया गया वो पहली बार कब लिया गया? तो मिड ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी, ओके। तो इसे लिख डालते हैं, टेकन बाई एच जॉर्ज। इस वर्ड साइंस को लिया किसके द्वारा गया था, इसमें किन लोगों का योगदान था, किन कंट्रीज का योगदान था? तो इसमें कोई एक खास कंट्री का योगदान नहीं था, इसमें पूरे दुनिया के जितने भी नेचुरल फिलोसोफर्स थे, आजकल हम लोग साइंस जानने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं, बट उस टाइम में साइंस जानने वाले को लोग नेचुरल फिलोसोफर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि उस टाइम, ठीक है, कब, 16th एंड 17th सेंचुरी के मध्य में, ठीक है, जो नेचुरल फिलोसोफर्स थे उनके द्वारा साइंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था पहली बार, उनके द्वारा साइंस वर्ड को लिया गया था पहली बार। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टेकन बाई द नेचुरल फिलोसोफर ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, इन द मिड ऑफ 16 to 17 century. Understand it once again, ठीक है। साइंस का डेरिवेशन कहाँ से हुआ या फिर साइंस का डेरिवेशन किस वर्ड से हुई, ठीक है। तो हम लोग जान चुके हैं कि साइंस का जो डेरिवेशन है वो लैटिन वर्ड साइंसिया से हुई है, लैटिन वर्ड साइंसिया जिसका मतलब है टू नो, ठीक है, यानी जानना। जानना जिज्ञासा को तो ही साइंस कहते हैं, कोई भी चीज़ को जानने के लिए। और लिया किसके द्वारा गया था, तो नेचुरल फिलोसोफर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, विभिन्न देशों के नेचुरल फिलोसोफर जो प्राकृतिक दार्शनिक थे, ठीक है। फिलोसोफर का हिंदी मतलब होता है दार्शनिक, ठीक है। तो नेचुरल फिलोसोफर, ठीक है, जो प्राकृतिक दार्शनिक थे उनके द्वारा लिया गया था, ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले थे, तो विभिन्न देशों के रहने वाले थे, ठीक है, अलग अलग देशों के रहने वाले थे। और इस वर्ड को यानी साइंस वर्ड को साइंसिया नामक शब्द से कब लिया गया था, तो मिड ऑफ 16th टू 17th सेंचुरी यानी 16वीं और 17वीं सदी के मध्य में, ओके, क्लियर। आई थिंक जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताया गया, पढ़ाया गया, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर सीधा घुसा होगा, धसा होगा, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पढ़ा है ना भाई, धनाधन कमेंटिंग इसे,